ओम नमः शिवाय जी। मैं पंडित श्री शास्त्री त्र्यंबकेश्वर से कार्यक्रम के पूजन में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जिनको भी कराना है संपर्क करें। सबसे पहले यजमान को आने से पहले साथ में सफ़ेद धोती और सफ़ेद गमछा कपड़े पहनने के लिए आपको लेकर आनी है। साथ में जन्म कुंडली भी लेकर आनी है और घर से 3 मुट्ठी चावल लेकर आना है। इसके उपरांत तो जब यजमान आते हैं पूजन में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। करने के बाद फिर ऐसे 5 मंडल होती है, जो पहले मंडल में भगवान गणपति पुण्यावाचन रहते हैं उनका षोडोपचार पूजन होता है। उसके बाद फिर भगवान जो आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनकी पूजा होती है। 16 देवी की आवाहन की जाती है। उपरांत जो आपके पितृदेवता हैं, पूर्वज हैं, उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, उसको नांदी श्राद्ध बोलते हैं। नांदी श्राद्ध करने के बाद फिर ब्रह्मा अष्टमंडल, जिसमें वेद और उपवेद की स्थापना होती है, पूजन होता है। उपरांत ग्रह शांति, नवग्रह शांति होता है, भगवान रुद्र का पूजन होता है। उसके बाद जो आपके मेन काल और सर्प हैं उनके चांदी के नवनाग बैठाए जाते हैं, राहु केतु की प्रतिमाएं बैठाई जाती है। दोनों की प्राण प्रतिष्ठा आवाहन अभिषेक करने के बाद हवन विधि की जाती है। जितने भी देवताओं का पूजन करते हैं सबकी हवन विधि होती है। हवन विधि होने के बाद कुशावर्त कुंड जाते हैं, स्नान करते हैं। स्नान के बाद नाग विसर्जन करते हैं। उसके बाद जो कपड़े आप पूजा में वक्त पहनते हैं उसी को वहीं प्रवाहित कर देते हैं। फिर जो मेन मंदिर है भगवान त्र्यंबकेश्वर, वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। इसमें पूरा विधि विधान से पूजन होता है। 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इसमें जो सेपरेट पूजन करते हैं तो 2100 रुपये खर्चा आता है। आप ग्रुप में करते हैं तो 1500 रुपये खर्चा आता है। ओम नमः शिवाय।